हेलो बच्चों, नाउ दिस इज़ द माय थर्ड सेशन फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोज पैकिंग एंड द पैकिंग एफिशिएंसी। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टुडेज सेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दोज पॉइंट्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे, दैट इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, and in case of two dimension the closed packing is done in two ways, the square closed packing and the hexagonal closed packing, and closed packing in the three dimensions. So these are the three main basic concepts which will be discussed: closed packing of the constituent particles of in solid state, and then we will learn about the voids, that is the tetrahedral voids and octahedral voids. What are voids? We will learn. Voids means simply it is called vacant space, जो खाली जगह होता है। जब आप बच्चों किसी चीज़ को अरेंज करते हो, जैसे सॉलिड पार्टिकल्स को अगर आप अरेंज करो, आप एक चीज़, आपको मैं सॉलिड पार्टिकल की जगह आप सोचो कि आपको एक लड्डू दे दिया गया, लड्डू को आपको अरेंज करना है, देन वाट विल यू डू? आप सोचते हो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग डब्बे के अंदर या किसी स्वीट्स की पैकिंग कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज पैकिंग, ताकि आपके कम से कम स्पेस उसमें खाली रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स कैन बी ऑक्यूपाइड, एंड देन पैकिंग इफिशियंसी वी विल लर्न अबाउट इट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडे सेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लोज पैकिंग, बिकॉज वी नो दैट इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड एंड वी ट्राई टू लीव द मिनिमम वैकेंट स्पेस। सो ड्यूरिंग द पैकिंग एन एटम, a molecule or an ion can be surrounded by how many constituent particles, that is called coordination number. सबसे पहले इस टर्म को समझना है, coordination number क्या होता है। The number of nearest neighbors of a particle is called coordination number. जैसे अगर आप close packing one dimension में करो, you can see here, यहाँ पर बच्चों एक particle, इसको मैं मान लो A से denote कर रहा हूँ, this is A. Now it is surrounded by two particles. तो atom A या particle A के surrounding में कितने particles है? दो particles है. So now the coordination number will be two. Suppose close packing in two dimension. How it can be done? Two dimensional close packed structure can be generated in two different ways. दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक पॉइंट बच्चों क्लियर कर लो कि जो हम क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात करते हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज आइडेंटिकल स्फीयर्स। इसको हम स्फीयर के रूप में मान के चलेंगे। तो जो ये सर्कल्स आप देख रहे हो, दीज सर्कल्स, दीज स्फीयर्स रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल्स। ओके, तो टू डायमेंशन, वन डायमेंशन में बच्चों क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ वन डायमेंशन। टू डायमेंशन मीन्स देयर विल बी द लेंथ एंड ब्रेथ। सो इन केस ऑफ टू डायमेंशन देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ पैकिंग। फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एज पर द टर्म स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ स्क्वायर फॉर्मेशन होगा। जरा उसको देखते हैं कैसे होगा। नाउ यू कैन सी हियर, यू आर सीइंग ए ए ए ए ए इज रिटन। नाउ व्हाट is being observed here? यहाँ क्या observe आप कर रहे हो कि पहले हमने एक line से ऐसे रखा और जब हमने इसको दूसरे line को arrange करना शुरू किया तो पहले वाले के ऊपर दूसरे को रख दिया, फिर तीसरे को जब रखना हुआ तो दूसरे के ऊपर तीसरे को रख दिया। ऊपर रखने का मतलब नहीं, यहाँ length और यह breadth है, क्योंकि टू डायमेंशन है तो length और breadth, जैसे एक rectangle है, आपको मैं यहाँ show करता हूँ। Now see here, suppose this is the particle one, दीज आर द पार्टिकल्स, इसको हमने अरेंज कर दिया। अब आती है बात कि हम भाई, अब चूँकि दिस इज़ द वन डायमेंशनल पैकिंग, इन टू डायमेंशनल इधर बढ़ते हैं, अब इस पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल को रखते चले जाएंगे, इट्स वुड बी क्लोज्ड। तो वेन आई एम अरेंजिंग लाइक दिस, क्या कर रहे हैं, जो लेयर ए बनाया, ए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन भी जस्ट ए के ऊपर आ गया, अबव आ गया, थर्ड लाइन जस्ट इसके ऊपर। अगर इस तरह से आप पैकिंग करते हो तो ये टू डायमेंशन में। जरा अब आप सेंटर पॉइंट इस पार्टिकल की बात करो, यू कैन सी हियर दिस पार्टिकल व्हिच इज रिटन बाय ए,
ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स के द्वारा सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय फोर पार्टिकल्स, 1, 2, 3 and 4. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. एंड व्हाट इज द शेप? ऑब्वियसली इट इज अ स्क्वायर. सो दिस टाइप, दिस वे ऑफ जनरेटिंग द क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बिकॉज वी आर गेटिंग द शेप स्क्वायर. इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड वे, सेकेंड मेथड टू डेवलप और टू डू द क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द फर्स्ट लाइन डिनोटेड बाई ए एंड दिस इज द सेकेंड लाइन बी. वॉट इज द डिफरेंस? यहाँ डिफरेंस क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो? यू कैन ऑब्जर्व हियर, जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, पहले जो हमने लाइन ए में पार्टिकल्स को यहाँ अरेंज किया, जब हम सेकेंड लाइन में पार्टिकल्स को रखने जाते हैं, देन वी आर पुटिंग द पार्टिकल्स इन द स्पेस बिटवीन दीज टू, यानी लाइक दिस. यू कैन सी हियर, यानी पहला लाइन ये से बनाया, फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन जब हम इसको टाइप ए लाइन ए कह सकते हैं, सेकेंड लाइन इज नॉट जस्ट केप्ट जस्ट अबव इट, बट हियर इट इज केप्ट. सो दिस इज द डिफरेंट मेथड. सो इट इज नाउ द सेकेंड लाइन इज बी. नाउ अगेन द थर्ड लाइन ए, इट मीन्स दीज टू लाइन्स विल बी सेम. इज इट क्लियर? यू कैन सी हियर ऑल्सो, ए को देख लो, बी को देखो, पार्टिकल कहाँ रखे जा रहे हैं, बीच में रखे जा रहे हैं. और सी को जरा देखो, जो थर्ड लाइन है, दिस इज द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन, इट इज जस्ट सिमिलर टू ए. सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड ए बी, ए बी टाइप पैकिंग. एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस पार्टिकल विच इज डिनोटेड बाय मी एज सी? इसके सराउंडिंग में कितने पार्टिकल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this particle is surrounded by 6 particles, then its coordination number is 6. Coordination number का मतलब होता है कि वो कितने surrounding particle के साथ attached है. Is it clear? To two dimensional close packing में we just see that there are two different ways of generating the close packing structure, that is the square close packing and hexagonal close packing. In case of a square close packing, the coordination number is 4. In case of hexagonal close packing, coordination number is 6. Is it clear to all of you? Now we are moving towards the third point, that is the close packing in 3 dimension. Ab bachcho dekho, 3 dimension mein kya hota hai? Length hoti hai, breadth hoti hai and height hoti hai. So now when we are going to generate a three dimensional structure, but we have the board, that is we have the page which is the two dimension. तो यहाँ पर थोड़ा आपको imagination करना होगा, and if you can imagine, your concept will be more clear. बहुत अच्छे से समझ में आएगा, but I will try my best to explain the points through the 3D pictures also. So in close packing in three dimension close packing from two dimensional square close packed layer. बच्चों अब three dimensional करना है. अभी तक आपने two dimension किया. Two dimension में जो आपने सबसे पहला किया था वो क्या था? This one. जिसमें आपने क्या किया था कि एक base तैयार किया. अब suppose करो, एक example मैं आपको लेता हूँ. आपको एक square shape में एक box दिया गया जिसमें कहा गया लड्डुओं को रखो. अब बच्चों एक बच्चे ने क्या किया, जैसे लाइन से लड्डू को सजाना शुरू किया. जैसे उसमें पहली लाइन लगाई, फिर दूसरी लाइन में एकदम लड्डुओं को लाइन से वो रखता चला गया. इस तरीके से पहली लाइन बनाई, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन. ये तो टू डायमेंशनल हो गया इस तरीके से. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन. तो अब जब हमारा सेकेंड लेयर बनेगा, सेकेंड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे रखेंगे? तो वो अगर हमारा जो बेस है जिसके ऊपर हम सेकेंड लेयर बनाने जा रहे हैं, इफ द बेस इज स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स,
यानी बेस में स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स हो गया, यानी टू डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैकिंग याद करो वैसा हुआ। और हमने जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फीयर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब देखो ये लेयर फर्स्ट था, ये लेयर सेकेंड है। अगर लेयर फर्स्ट को आप ए कहते हो तो सेकेंड लेयर भी जस्ट ए हो गया, थर्ड लेयर भी जस्ट ए लाइक है, फोर्थ लेयर भी ए लाइक है। तो दिस इज कॉल्ड ए ए टाइप पैटर्न। इसको किस टाइप का पैटर्न बोलेंगे? ए ए टाइप, बिकॉज द फर्स्ट लेयर द पार्टिकल्स हैविंग द पैटर्न, द सेकेंड लेयर हैव द सेम पैटर्न, थर्ड लेयर हैव द सेम पैटर्न, इन एक के ऊपर आप रखते चले गए। तो इस तरह के पैकिंग्स को हम कहते हैं कि जिसका बेस जो था वो कैसा था, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर था। यानी कि जो बेस का मतलब क्या हो गया, टू डायमेंशनल जो पैकिंग थी वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, और उसी बेस के ऊपर हमने जो सेकेंड थर्ड फोर्थ लेयर बनाया, तो जस्ट वी कीप द पार्टिकल्स एबव वन अनदर। तो सिंस द लेयर पैटर्न इज नॉट चेंज, द लेयर पैटर्न इज सेम, दैट इज ए टाइप पैटर्न। तो ए ए टाइप पैटर्न इट वॉज सेट। इज इट क्लियर? नाउ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। बच्चों आपको देखो हमने पढ़ाया, हमने कहा कि इन केस ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ध्यान से सुनना, उसमें दो तरीके से होगा, एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। व्हेन इट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, व्हेन इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, पैटर्न चेंज था, दैट इज ए बी पैटर्न वॉज देयर। तो अब यहां पर क्या है जरा ध्यान से देखना, यानी अब हमारा जो बेस का लेयर होगा, जो बेस हम तैयार करेंगे जिसके ऊपर हम सेकेंड लेयर को रखने जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि फर्स्ट पार्टिकल इज, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द, दिस इज वन डायमेंशन। अब हम यहाँ पर पार्टिकल को रख दिए, दिस इज द सेकेंड लाइन। ये जो मैं पैकिंग कर रहा हूँ अभी आपको जो दिखा रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज टू डायमेंशनल पैकिंग। अब बच्चों हमें क्या करना है, सेकेंड लेयर लगानी है। तो सेकेंड लेयर अभी आपको जो इससे पहले हमने बताया कि थ्री डायमेंशनल पैकिंग में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो डायमेंस टू डायमेंशनल बेस था उसके ऊपर जस्ट पार्टिकल को रखा था। अब हमारे सामने यहाँ पर है कि पार्टिकल शुड बी केप्ट वेयर, इसके बारे में देखते हैं। नाउ प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब जब सेकेंड लेयर को रखना है तो उसको फर्स्ट लेयर के ऊपर ही रख देते हैं। अ टू डायमेंशनल हो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ए इज फर्स्ट लेयर एंड द सेकेंड लेयर एज बी, यानी कि सेकेंड लेयर को हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर ही रख दिया इस तरीके से। इज इट क्लियर? तो यहां पर पैटर्न जो होगा ए बी पैटर्न होगा। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव टू लर्न द टॉपिक वॉइड्स। व्हाट आर वॉइड्स? वॉइड्स को हमने पहले ही कहा था, इट इज द वैकेंट स्पेस। जब आप अरेंजमेंट करते हो पार्टिकल्स की, तो उस समय जब पार्टिकल्स को क्लोज पैक करते हो तो कुछ गैप रह जाता है, वैकेंट स्पेस रह जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, सपोज पर एक पार्ट के लिए है, दूसरा पार्ट के लिए है, तीसरा पार्ट के लिए हमने यहाँ रखा। सो दीज आर द थ्री पार्टिकल्स, दिस इज वॉइड्स, दिस इज द वैकेंट स्पेस क्रिएटेड व्हेन दीज थ्री पार्टिकल्स आर केप्ट टुगेदर एंड दिस इज कॉल्ड वॉइड्स। सो नाउ व्हाट इज ट्रायंगुलर वॉइड? एक्चुअली द दिस इज द ट्रायंगुलर वॉइड बिकॉज इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड। Why? Because there are three constituent particles and the void created by the three constituent particles, it should have a triangular shape. So in case of triangular voids, there are three constituent particles are attached with each other. This void is triangular in shape. Now tetrahedral voids kaise create hoga? Suppose that here these are the three particles and this is the hole created. This hole is actually, if we will see only these three particles, then this is a triangular void and this red color sphere,
इट इज़ द फोर्थ पार्टिकल गोइंग टू बी पुट अपॉन इट, इसको इसके ऊपर रख दिया. नाउ हाउ मेनी स्फीयर्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर, फोर. और जब फोर स्फीयर को एक साथ रखोगे तो यहाँ तो स्पेस नीचे की तरफ तो बना हुआ ही है. नाउ बट इट इज़ कॉल्ड नाउ टेट्राहेड्रल होल बिकॉज नाउ देर आर फोर स्फीयर. और जब फोर स्फीयर है, तीन ट्रैंगुलर बेस में और एक ऊपर की तरफ है, उसके सेंटर को जोड़कर यू विल गेट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो दिस कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड. नाउ देन नेक्स्ट इन वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वॉइड सराउंडेड बाई सिक्स स्फीयर्स, सिक्स स्फीयर्स के द्वारा होता है. यहाँ देखो, नाउ दीज थ्री ब्लू कलर से जो है यहाँ पर इन सर्कल ए थ्री स्फीयर्स है. नाउ दीज थ्री स्फीयर्स आर क्रिएटिंग ऑक्टाहेड्रल. हेयर इट इज वॉइड, अ होल इज देयर. अब ये ऊपर की तरफ थ्री स्फीयर्स है, दोनों को जरा ध्यान से देखो. एक ट्रायंगल ऐसे है और दूसरी ट्रायंगल ऐसे रखी जाने वाली है. इज इट क्लियर? इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, द फेस अपोजिट है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा गया है. द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर. इसका जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा और जो नीचे वाला ब्लू कलर से जो सर्कल है, स्फीयर है, उसका जो वॉइड है, और जो रेड कलर का स्फीयर है उसके जो वॉइड्स है, दोनों ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं. तो ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर, बट द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दीज डू नॉट ओवरलैप. वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी. वन ऑफ देम हैज़ द अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल पोजिशन अपवर्ड्स एंड द अदर डाउनवर्ड्स. देखो ये डाउनवर्ड्स है तो ये अपवर्ड्स है, तो अपोजिट है दोनों का फेस. तो इस तरीके से जो यहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है, नाउ दिस होल इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी स्फीयर्स, इट इज सराउंडेड बाई सिक्स स्फीयर्स एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा ना बच्चों, याद करो, ज्योमेट्री में आपने पढ़ी है 11th क्लास में. तो नाउ अप टू नाउ वी स्टडीड दैट हाउ द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड. नाउ द वी आर गोइंग टू द प्लेसिंग थर्ड लेयर. थ्री डायमेंशनल में आपने बच्चों फर्स्ट लेयर पढ़ा, सेकेंड लेयर पढ़ा, अब आपको थर्ड लेयर को रखना है. व्हाट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेसिंग द थर्ड लेयर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स. जब थर्ड लेयर आपको रखने की बारी आएगी तो आप उसमें सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करोगे. टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर. द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट. जब थर्ड लेयर आप बच्चों रखोगे तो उसके जो स्फीयर्स होंगे वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह होंगे. तो पैटर्न कैसा होगा, इस तरीके से होगा. ये फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर हो गया. फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? यू सी दैट जो फर्स्ट लेयर था उसी तरीके से सेकेंड लेयर है, उसी तरीके से सेकेंड लेयर का चेंज किया हमने, अब थर्ड लेयर हमारा एक ही टाइप तरह हो गया. दिस काइंड ऑफ पैकिंग वेयर द थर्ड लेयर इज ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, देन यू विल गेट ए बी ए बी टाइप पैटर्न. यू आर गेटिंग ए बी टाइप पैटर्न. इज इट क्लियर? इस तरह का वॉइड, इस तरह का जो आपको पैकिंग मिलता है वो किसमें मिलता है? मैग्नीशियम एंड जिंक में. नाउ कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब जब आप थर्ड लेयर बनाने जाओगे, प्लेस करोगे, देन यू विल ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड above the second layer in a manner such its sphere covers the octahedral voids. When placed in this manner, the sphere of the third layer are not aligned with those of either of the first or the second layer. इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने पहले किया उसमें first layer था A, second layer था B, and then the third layer which was occupying the tetrahedral voids having the spheres arrangement similar to the first layer. That's why it was called ABAB type pattern. Now in this case, when the third layer is going to occupy the octahedral voids, then what is happening? We are getting a different type of pattern. Not A type is repeated, not B type is repeated, but it has a different pattern, that is different arrangement, and it is called C. So covering octahedral voids
we will get ABC type pattern. And this structure is also called cubic closed pack CCP or face centered cubic FCC structure. Copper and silver having this kind of a structure, you can see now here A, B and C. In B and C you can see. अब बच्चों B और C में देखो, B में किस तरीके से है और C को देखो. अभी आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में हमने बताया था ना कि तीन स्फीयर होंगे लाइक दिस, और ऊपर वाला जो होगा वो ऐसे होगा. इनको जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे विल गेट ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड्स. सो यू कैन सी हियर, यहाँ आपको देख सकते हो. इट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि जो थर्ड लेयर है सी लेयर है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू द लेयर ए. That's why it is called ABC pattern. Is it clear? You can see here also cubic closed packing ABC pattern. A layer, B layer and it has C layer. So now before moving to the further, once again I am going to revise what we studied till now. हमने आज बच्चों अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि closed packing is done in the case of solid substances. Constituent particles are closely packed. We try to leave the minimum vacant space and those vacant spaces are called voids. And voids may be tetrahedral, triangular or octahedral voids. In case of triangular voids, there will be three spheres. Why do we say spheres? Because the constituent particles are represented by spheres. So three spheres will be there touching each other. And the number of particles which are surrounding a given particle is called the coordination number of that particular particle. Coordination number padha. And in case of one dimensional closed packing, it is coordination number is 2. In case of two dimensional closed packing, there are two different ways. First is the square closed packing, coordination number 4. Second case is the hexagonal closed packing, that is the coordination number 6. अब जब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम करते हैं तो उसमें दो केसेस जनरेट होते हैं कि हमारा जो बेस होगा हम उस बेस को किस तरीके से, इफ़ इट हैज़ स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल बेस तो उसके एक के ऊपर एक को रख दे तो ए टाइप मिलेगा. फिर जो हमारा दूसरा है उसमें जो सेकेंड लेयर होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द बेस लेयर, दैट इज कॉल्ड ए बी टाइप. और वेन वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्ड्स, नाउ द थर्ड लेयर can occupy the tetrahedral voids. If the third layer occupying the tetrahedral voids, then we will get ABAB type pattern of arrangement of particles. But when the third layer is occupying the octahedral void, we will get ABC pattern. Is it clear? Ab tak bachcho itna samajh mein aa gaya? So now we are moving the further for the next topic, that is the packing efficiency. बच्चों जब आप पैकिंग करते हो तो कोशिश क्या होती है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हम ऑक्यूपाई कर ले. There should be very less space should be left. कम से कम वाइड्स हो, कम से कम वैकेंट स्पेस हो. तो सबसे पहला एक टर्म आता है हमारे दिमाग में, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल. एक यूनिट सेल के द्वारा उसकी वॉल्यूम क्या है और उसमें जो एक एटम होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उन दोनों का रेशियो है. और जब पैकिंग इफिशियंसी की बात आती है तो जस्ट इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल्स, एक्चुअल में इट इज रिटन 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. इट इज नॉट राइट 4, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एन 1 स्फीयर इन द यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. देर इज नो नीड टू राइट या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स इन द यूनिट सेल. सपोज दैट इन केस ऑफ body centered there will be the two atoms, so it should be the volume of the two atoms. The volume occupied by spheres in the unit cell by total volume of the unit cell multiplied by 100, then we will get it in the percentage of the packing, that is called packing efficiency. The volume occupied by spheres in the unit cell. So now first of all, इन अ सिंपल क्यूबिक लेटाइस, सिंपल क्यूबिक लेटाइस बच्चों क्या होता है? आप सब ने पढ़ा है कि सिंपल क्यूबिक लेटाइस में जो स्फेयर्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं. तो अब उसके ज़रा सा हम कैलकुलेशन को शी कर ले देख लेते हैं. इन अ सिंपल क्यूबिक लेटाइस द एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स. और आपने पढ़ा है कि जब वो कॉर्नर्स पर होंगे, इसका मतलब है लाइक दिस,
एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा. यू कैन सी हियर आई हैव रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड एच. ये दो कॉर्नर्स पे हमारे रखे हुए स्फेयर्स हैं. क्यूब है तो एज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज ए. रेडियस मान लिया, जो एक स्फेयर है इस एक स्फेयर का रेडियस हमने क्या डिनोट कर दिया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई आर. तो फ्रॉम दिस फिगर इज इट क्लियर कि अगर आप इस तरीके से मान के चलो कि एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, दिस इज द फर्स्ट स्फेयर, दिस इज द सेकेंड स्फेयर, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, सो दिस इज द रेडियस. और यही रेडियस आपको क्या बनाएगा, एज बनाएगा. इट इज इक्वल टू ए. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो दो स्फेयर है जिसको येलो कलर से शो किया गया है, ए एंड एच इज रिप्रेजेंटेड देयर, तो उनके सेंटर, उनके रेडियस को अगर आप देख लो तो आर एच वाले एटम का रेडियस होगा और ए एच वाले एटम का रेडियस भी आर होगा. इट इज एज इक्वल टू, जो एज होगा, जो क्यूब का एज होगा, दिस एज लेंथ ए, इट इज इक्वल टू टू आर. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चूंकि एज ए है तो आपने क्यूब की वॉल्यूम आपको मालूम है ए क्यूब, और चूंकि एज लेंथ टू आर है देन टू आर क्यूब, इट इज इक्वल टू एट आर क्यूब. अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, वन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा, इट वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, सो द वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100. तो एक एटम का वॉल्यूम कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया 8 आर क्यूब. तो 4/3 पाई आर क्यू और बाई 8 आर क्यू इंटू 100. इसको सॉल्व कर दीजिए. व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट इट 52.38%. इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, यू कैन डू इट इजली. 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 8 आर क्यू, दिस वॉज आर क्यू, आर क्यू कट गया, यू विल गेट 4/3 पाई है, इसको रख लो, पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7 या 3.14 भी आप रख सकते हैं, कैन पुट दिस टू वैल्यूज, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू आंसर. इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सो इन केस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक लैटिस ओनली 52.38% इज ऑक्यूपाइड, 48.62% इज वैकेंट स्पेस. सो नाउ इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको बड़ा ध्यान से देखना बच्चों. हेयर नाउ एटम्स विच आर सोन हियर विद द येलो सर्कल, येलो स्फीयर्स, एंड दीज एटम्स आर प्लेस्ड डायगोनली. और डायगोनल कहाँ से कहाँ है, एफ से लेकर ए तक है. आई एम शोइंग द डायगोनल विद द हेल्प पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ और ए, अपोजिट डायगोनल से. सो नाउ इन केस हियर वी आर अगेन गोइंग टू डिराइव द, वी हैव गोइंग टू फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी. सो इन ट्रायंगल ई एफ डी, जस्ट सी ई एफ डी, ई एफ डी जो बेस के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, बी स्क्वायर, बी इज द डायगोनल ज्वाइनिंग एफ एंड डी पॉइंट्स, ये किसके इक्वल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप सोचो तो एज लेंथ क्या है, ए है, तो ई पी ई डी इट इज ए और ई एफ इट इज ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² और बी इज इक्वल टू रूट, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² और बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a. क्लियर. अब देखो इन ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी, इस ए एफ डी ट्रायंगल में क्या, आपको जो फोर थ्री स्फेयर्स हैं उस थ्री स्फेयर्स यानी ए एफ को, ए एफ को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, एफ डी इज रिप्रेजेंटेड बाई बी और ए डी इज इक्वल टू स्मॉल ए. तो आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ऊपर में आपका बी का जो वैल्यू आया था वो वैल्यू पुट कर दो आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a², यू विल गेट 3a², सी इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3a. जो बॉडी डायगोनल है वो बॉडी डायगोनल आपका क्या है, एस ए एफ है, ए एफ इज द बॉडी डायगोनल,
AF is what? AF is body diagonal. तो बॉडी डायगोनल में आप देख लो जो तीन स्फेयर है उन, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये आर हो गया. टोटल हाउ मेनी आर्स? फोर आर्स आर देयर. इसको जब ज्वाइन करोगे तो सी इज इक्वल टू वर हाउ मच? यू विल गेट फोर आर. तो जब आपको सी की वैल्यू यहां पर मिल रही है रूट थ्री ए और आप ऐसे अगर देख रहे हो तो सी की वैल्यू आ जाती है फोर आर. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर और यहाँ से ए इज इक्वल टू फोर आर बाई रूट थ्री और आर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए. इज इट क्लियर? अब देखिए, अब चूंकि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका मतलब है देयर आर टू एटम्स इन अ यूनिट सेल. तो एक स्फेयर की जो वॉल्यूम होगी यानी एक एटम की जो वॉल्यूम आप मान के चलो उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू 4 बाई रूट थ्री आर क्यू. एक वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ पर 4 बाई रूट थ्री आर क्यू. तो अब यू आर गोइंग टू गेट नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट पैकिंग एफिशिएंसी. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई टू स्क्वायर इन द यूनिट सेल बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई टू स्क्वायर इन द यूनिट सेल दैट इज टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इट इज इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री आर क्यू. ओके सो इट विल बी इक्वल टू फोर इंटू एट फोर इंटू टू एट बाई थ्री पाई आर क्यू इंटू हंड्रेड बाई फोर का क्यूब करोगे 64 और थ्री रूट थ्री आर क्यू. बहुत ईजी है, आप कर लोगे आसानी से. यू विल गेट 68%. इफ एनी बडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क टू मी. सो नाउ द थर्ड. तो पहले वाले में हमने क्या निकाला था? सिंपल वाले में 52.48. सेकेंड में हमने वी गेट दैट इट इज 68% स्पेस इज ऑक्यूपाइड. इट मीन्स अगेन नाउ 32% स्पेस इज वैकेंट. सो द थर्ड केस इज ऑफ पैकिंग एफिशियंसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एचसीपी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग. फेस सेंटर्ड यानी कि जो बॉडी सेंटर के बॉडी में था, अब यहाँ पर फेस पे हम रखेंगे एक आइटम को. सो नाउ लेट सपोज दैट हमने हमेशा माना है कि जो एज लेंथ होगा किसी भी यूनिट सेल का वो ए होगा. फेस डायगोनल क्या होता है? बॉडी सेंटर में हमने बॉडी डायगोनल लिया था, फेस सेंटर में हम फेस डायगोनल लेंगे. तो फेस सेंटर में आप देखो फेस का डायगोनल ए और सी दो पॉइंट्स को अलग अलग लिया, ऐसे दो पॉइंट्स को डायगोनल के रूप में लिया और जो एज लेंथ ए सी था उसको हमने किसे डिनोट किया? बी से डिनोट किया. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी में आप देखो तो ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है और ये इक्वल है बी बी के. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. तो आपका जो बी सी है और ए बी वो ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट टू ए आ जाएगा. अगर आर मान लो स्फेयर का रेडियस है तो हाउ मेनी आर? आर 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 अगेन इट इज द फोर आर. तो बी इज इक्वल टू फोर आर. इट क्लियर? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर आर के बराबर हो जाएगा. बी की वैल्यू ऊपर में हमने रूट टू ए निकाला अभी. सो नाउ फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए, ए इज इक्वल टू फोर आर बाई रूट टू इज इक्वल टू अगर रेशनलाइज करो तो टू रूट टू आर आ जाएगा आपको. तो इच यूनिट सेल हैव फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर विल बी फोर. पहले ही आपने देखा है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फोर स्फीयर इज इक्वल टू फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू, क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी. ए की वैल्यू कितनी है? फोर, ए की वैल्यू है टू रूट टू आर. तो टू रूट टू आर क्यूब कर दीजिए. सो व्हाट विल यू गेट? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू बाई टू रूट टू आर क्यू. यू विल गेट दिस मच. सॉल्व कर लो बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, बहुत आसान है. रूट टू को आप रेशनलाइज कर सकते हो. यू विल गेट 74%. सो व्हाट डू वी सी हियर? वी सी दैट इन केस ऑफ क्लोज पैकिंग द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम. तो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो सबसे ज़्यादा किस केस में आपने पाई? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में. पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल इज मैक्सिमम दैट इज 74%, ओनली 26%. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद होना चाहिए
कि पैकिंग एफिशिएंसी किस केस में ज़्यादा, 74% इन केस ऑफ एफसीसी, 68% इन केस ऑफ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड ओनली 52.48% इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज का जो टॉपिक था हमारा, अगेन आई एम सेइंग, क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, ट्रायंगुलर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन में आपको ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप पैटर्न, एंड देन पैकिंग इफिशियंसी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा तो वहाँ इफिशियंसी का परसेंटेज क्या आया, जब फेस सेंटर्ड होगा तो सबसे मैक्सिमम पैकिंग इफिशियंसी दैट इज़ अ 74% और बॉडी सेंटर में 68%, ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। सो नाउ द ऑल द टूडेज टॉपिक हैज़ बीन क्लेरिफाइड टू यू। सो एट द एंड अगेन आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चंस आर, व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन द केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट, एंड आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। दिस इज द माई थर्ड सेशन, सो इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑल्सो वी आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम डिस्कसिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज गिवन इन यूर एनसीईआरटी।